ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। मलेशिया से बोल रहा हूँ। पिछले दिन हम लोग एयरपोर्ट पर फंसे थे, जो लगभग 250 से 300 के करीब लोग थे जो इंडियन थे। आज हम गुरुद्वारा साहब में ठहरे हुए हैं। हम इंडियन एम्बेसी के संपर्क में हैं। इंडियन एम्बेसी ने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ है। इंडियन एम्बेसी की कस्टडी में है। हमें इंडियन एम्बेसी की तरफ से पूरी मदद मिल रही है और हम लोगों की खाने पीने और रहने की व्यवस्था जो है वो इंडियन एम्बेसी ने कर दी है। अभी हमारे पास जो है भारत सरकार के पास एक अपील करना चाहते हैं कि हम जितनी जल्दी से जल्दी चाहें हमें यहाँ से निकाला जाए। कृपा करके, हम लोग यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पीछे छोड़ के आए, ये आप देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ यूपी और यूपी के हैं, प्लस पंजाब से हैं और भी बहुत से प्रांतों से फंसे हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ इस ग्रुप में दिल्ली से हैं, हमारे पास यहाँ ग्रुप से कुछ ऐसे हैं जो तो लगभग 40 से 50 लोग हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे लगभग 40-40, 50-50 के ग्रुप में लोग ठहरे हुए हैं। टोटल लगभग 300 या 350 के ग्रुप हैं जो हमारी नॉलेज में है। बाकी एम्बेसी को ज़्यादा पता है कि कितने लोग हैं। हम भारत सरकार से और एम्बेसी से एक अपील करते हैं, कृपा करके हमें यहाँ जल्दी से जल्दी निकाला जाए। हम लोग यहाँ पर बहुत बुरा फंसे हुए हैं, जितनी जल्दी हो सके निकालें। एम्बेसी से हमारा रोज़ का कॉन्टैक्ट होता है, हम लोग फ़ोन पर उनसे अपडेट करते हैं। उनसे हमारी जो बातें होती हैं उनसे यही कहा गया है कि जब भारत सरकार चाहेगी तो उनकी तरफ से इजाज़त होगी, तब हम जा पाएंगे। सो कृपा, आप सबसे आपसे विनती है भारत सरकार से कि हमें जल्द से जल्द यहाँ निकाला जाए।